नमस्कार मित्रों की नए वीडियो फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में दिखाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। आज है 24 मार्च और मोदी जी का आगमन भी है यहाँ पे बनारस में। चलिए चलते के दिखाता हूँ आपको काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते एकदम पूरा खाली है, मोदी जी का आगमन है उसके तहत यहाँ पे देख सकते पूरा एकदम चारों तरफ से खाली है। इस साइड से देखिए पूरा एकदम पुलिस प्रशासन इधर बैठी हुई है, लग रहा है काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए होंगे। यहाँ से एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, हर जगह तो मतलब दशाश में घाट पे लगा हुआ था बोर्ड, लगा लिखा गया था, यहाँ पे देखिए प्रॉपर बोर्ड लगाया गया है, ड्रोन स्टेटेड एरिया, ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं ना आप। यहाँ ये बोर्ड लग गया ना, यहाँ वैसे भी लोग उड़ाई देते हैं चोरी चुप पे ड्रोन। यहाँ पे जो लाइट का काम चला दिखाता हूँ चल के आपको, पहले यहाँ नज़ारा यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पे लाइट का काम चल रहा है जैसा कि दिख रहा है। इसमें वेल्डिंग काम चल रहा है, वेल्डिंग छोड़ दिया गया। तो मैं 2-3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था तो उन्होंने बता रहा था कि यहाँ पे वेल्डिंग छोड़ दिया, इसीलिए इसको बनाया जा रहा है, फिर से वापस वेल्डिंग किया जा रहा था। ये आगे दिखाता हूँ मैं आपको चल के, ये देखिए इधर भी काम चल रहा है। यहाँ पे आपका काम चल रहा है इस लाइट का। और सामने देखिए मनिका घाट है और यहाँ पे लाइट काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरा आगे तक ये ऊपर बनाया जा रहा है ये लाइट। यहाँ से देखिए लोग जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के आनंद भी ले रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ से ऊपर दिखाते हैं आपको। देखिए बोर्ड लग गया है यहाँ पे, श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे सभी श्रद्धालुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नया बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ आप देख सकते बड़ा बैग नहीं जाएगा, ये गेट है यहाँ से अंदर जाने के लिए। और ये रेड मैट बिछाया गया है जैसा कि मैं दिखाया था पहले भी, ताकि श्रद्धालु लोग का पैर न जले। यहाँ पे भी बहुत बड़ा कैनोपी लगने वाला है जिससे उसी के अंदर लोग दर्शन करेंगे। दर्शन करेंगे और काफ़ी आसान भी रहेगा। ये देखिए यहाँ से सामने से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। यहाँ से लोग जा रहे हैं गंगा द्वार के रास्ते से दर्शन करने के लिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैं मोबाइल कैसे जाता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मोबाइल गंगा द्वार के रास्ते से जाएंगे आप तो मोबाइल यहाँ से अलाउ है, जस्ट आगे जाएंगे शंकराचार्य चौक की तरफ आगे तो ब्लॉकर बनाए, वहाँ पे मोबाइल जमा कर सकते हैं, वहाँ पे सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। जस्ट उसके आगे जो गेट है काशी विश्वनाथ धाम के अंदर, वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, बस वहीं तक आप ले जा सकते हैं, शंकराचार्य चौक तक ही मोबाइल ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आपको दिखाते हैं आगे, अगर आगे जाने देते हैं तो दर्शन भी कराएंगे चल के बाबा विश्वनाथ धाम का। और यहाँ से देखिए भक्तों को देखते हुए यहाँ से आपको, हाँ तो भक्तों को देखते हुए यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि लगाया गया है यहाँ पे टेंट लगाया ताकि लोग शाम इसी के अंदर से दर्शन करेंगे। और यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, जैसे उसके बगल में मान दातेश्वर महादेव मंदिर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका फूड कोर्ट है, ये नीचे लोग नाश्ता करते हैं, ऊपर जस्ट आपका थाली वाला सिस्टम से खाना खाना है, फुल एसी बनाया गया ऊपर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आगे चल के, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इसके अंदर से लोग आ जा रहे हैं, पूरा काफ़ी छांव है इससे। चलिए दिखाते हैं आगे चल के, हाँ तो मोबाइल इधर से जाएगा आपका, अगर जाएंगे तो इस साइड से मोबाइल अलाउ हुआ है, यहाँ पे चेकिंग करेंगे, चेकिंग करने के बाद दौरान जाएगा आपका मोबाइल।
तो जैसा बता रहा था मैं, मोबाइल यहाँ से जाएगा, इस साइड से यहाँ से आपका मोबाइल जाएगा, आगे लॉकर है, अगर चाहे तो आप लॉकर में जमा कर सकते हैं। दर्शन करने जाएगा तो मोबाइल अंदर नहीं जा पाएगा, सिर्फ लॉकर वहाँ पे लॉकर, एक गंगा दौर के पास लॉकर है, एक यहाँ पे लॉकर है शंकराचार्य चौक की तरफ, तो वहाँ पे मोबाइल जमा कर सकते हैं आप। ये श्रद्धालु लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। सब लोग दर्शन करिए बाबा विश्वनाथ का, हर हर महादेव सभी लोग को। तो यहाँ पे देखिए कितने श्रद्धालु दर्शन कर लाइन लगा के, ये देख सकते हैं आप यहाँ से काफ़ी भीड़ है दर्शन करने वालों की। और यहाँ से देखिए ये एग्जिट पॉइंट जाने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लॉकर बना के वहाँ पे मोबाइल जमा करेंगे आप, मोबाइल जमा करके आसानी से दर्शन कर सकते हैं। अगर इसके आगे जाना हो तो इसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, काफ़ी पुलिस प्रशासन लगी हुई है यहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे ये क्या है, अब बताता हूँ मैं क्या है। ये आपका देख सकते हैं कि ये मूर्ति आया लगाने के लिए, इतना बत्तख है उस तरह तो हाथी है, ये किसी की और मूर्ति है नीचे। ये मैं पूछा अभी बताया तो ये लगाया जाएगा आपका आगे, बता रहे गंगा दौर के साइड लगाया जाएगा। अब लगने के बाद पता चला चलेगा कहाँ लगाया जा रहा है, जितना मुझे नॉलेज मिला है न्यूज़ में बता दे रहे हैं आपको यहाँ से। तो ये आप देख लीजिए यहाँ से, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखा देता हूँ। अब ये देखिए वाइड एंगल देख लीजिए आप इसको यहाँ से, ये भी मूर्ति लगेगा तो दिखाऊंगा मैं जब लगेगा। तो ये सामने से सूर्य भगवान की जो सामने से रोशनी आ रही है, कितना अच्छा लग रहा शाम का ये नज़ारा। ये टेंट लगाया गया, जैसे बता चुका मैं पहले कि ये भक्तों को देखते हुए लगाया गया ये। चलिए इस गेट से मैं चलता हूँ बाहर की तरफ, और बाहर का दिखाता हूँ चल के आपको। ये आप देख रहे हैं ऐतिहासिक पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर है ये। चलिए मैं बाहर दिखाता हूँ आपको, यहाँ से देखिए पूरा अब कितना खूबसूरत जगह लग रहा है ये नकाशी यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से अब मस्त लग रहा है एकदम। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।